वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जिसके अंदर लगभग 30 से लेकर 40,000 लोग होंगे और उसके ऊपर कोई टिकट नहीं। ले सकते अच्छा एक बात बताओ, आज का कार्निवल अभी तक देख के मजा आ रहा है कि नहीं? दीपक ने कहा था कि ये एंड में बताना, पर अब रुका नहीं जा रहा। हर साल नवंबर के अंदर कार्निवल होगा। हर साल जो लोग अपनी नई गाड़ी लेंगे उनकी रिकॉग्निशन, लग्जरी कार की रिकॉग्निशन यहां पे होगी। पता चला टाटा नैनो लेके आ जाओ, कहोगे चढ़ानी है, वो नहीं चढ़ेगी। राइट, मैं फिर से कहूंगा सोचने की हिम्मत तो करो। एक व्यक्ति जिनकी कली गाड़ी आई ऑडी Q3 और उन्होंने मुझसे कहा कि सर गाड़ी की चाबी आपसे लेनी है। जब मैं उनके पास गया तो गाड़ी की चाबी देने लगा तो लोग लाइव वीडियो बना रहे थे, तो मैंने कहा कि इस व्यक्ति को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं और इनका नाम है DC Rajput। उनकी कहानी से मैं इंस्पायर्ड हूं। राइट, कि उन्होंने जब पिछले साल अपने लिए फोर्ड इकोस्पोर्ट ली और जब उसकी गाड़ी की चाबी लेने आए तो मैं जब चाबी देने लगा उन्होंने कहा पहले मैं अपनी कहानी सुनाना चाहूंगा सर। उन्होंने कहा मेरा नाम है DC Rajput और मैं 5 क्लास तक सिर्फ स्कूल गया था। कहते जिंदगी में सब कुछ किया अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। आज से लगभग 5 साल पहले, पिछले साल 4 साल थे, जब 4 साल पहले मेरे पास वेस्टी जाई उस दिन सुबह मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के आया था एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का। कहते जब शाम को मेरे पास वेस्टी जाई तो मैंने अपने घर वालों को यह कहा कि मुझे 1 महीने का टाइम दो, मुझे लगता है कि इसमें मैं महीने में 5,000 रुपए कमा लूंगा क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह में सिर्फ 6,000 मिलने थे। उन्होंने कहा कि मैं इसमें 5,000 तक कमा लूंगा ताकि मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी न करनी पड़े। ये जेंटलमैन आप मानना नहीं चाहोगे, पिछले साल उन्होंने ली अपने लिए Chevrolet Beat, पिछले साल उन्होंने ली अपने लिए फोर्ड इकोस्पोर्ट और इस साल ली है ऑडी Q3 और अगले साल ले रहे हैं Jaguar। सेवन की एज में जब लोग अपने लिए वन प्रस्थ आश्रम ढूंढते हैं, सोचते हैं कि हमारी इनिंग्स खत्म हो गई, हमने अपना मौका गवा दिया, मेरा ख्याल से 57 के नंबर में ना कुछ जादू है। क्योंकि हमारे भीष्म पितामह उन्हानी जी ने भी 57 की एज में वेस्टी को शुरू किया था और कितना बड़ा चमत्कार कर, मेरा ख्याल से जोरदार तालियां हमारे के लिए। देख सकते हैं इसी तरह की रिकॉग्निशन जो हमारे वार्ड फंक्शन है वो थ्रू आउट हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। हर साल महीने में कम से कम 5 से लेकर 6 प्रोग्राम होते हैं ताकि हम अपने लोगों को रिकॉग्नाइज कर सकें, क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं, इस चीज को मानते हैं और इसके ऊपर हमेशा टिक के रहेंगे कि आज जो वेस्टीज है वो आपके करके वेस्टीज है और आपको सम्मान देना हमारा परम धर्म है। चैंपियंस डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 2nd of every month ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सके अचीवमेंट्स अपने लीडर्स की और इंस्पायर कर सके फ्यूचर लीडर्स को। नहीं सिर्फ आज के दिन पे वेस्टीज एक बेंचमार्क बनी है, आज के दिन पे आप लोग बेंचमार्क बन गए हो, लोग आपको कॉपी करते हैं, आपके चलने के ढंग को, आपके बोलने के ढंग को, आपके बात करने के ढंग को, नहीं सिर्फ उसको कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं आपके चेक को, कॉपी करना चाहते हैं आपकी गाड़ी को, कॉपी करना चाहते हैं आपकी सफलता को, पर आपकी किस्मत को कभी कॉपी नहीं कर सकते। ले सेगमेंट जो हमने